फ्रेंड्स, विज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आईटीआर भरने का टाइम आ चुका है और आईटीआर के फॉर्म्स भी आ चुके हैं। तो अगर आप आईटीआर का मतलब समझते हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रही हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न में इस बार दो ऑप्शन दिए गए हैं रिटर्न भरने के लिए, एक है न्यू रिज्यूम और एक है ओल्ड रिज्यूम। न्यू रिज्यूम और ओल्ड रिज्यूम, पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको न्यू रिज्यूम में जाना है तो कोई फॉर्म भरना है या ओल्ड रिज्यूम में जाना है तो कोई फॉर्म भरना है। आप दोनों तरीके से टिक लगाकर आप चूज कर सकते थे, बट इस साल गवर्नमेंट ने थोड़ी चेंज कर दिया है रूल को। अगर आप मेरे को न्यू रिज्यूम का मतलब आप समझते हैं, न्यू रिज्यूम में 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट किसी भी डिडक्शन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। जो 80C में मिलता है, 80E में मिलता है, 80D में मिलता है, 80G में मिलता है, ऐसे डिडक्शन का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। सीधे सीधे 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो वो उस पर कोई भी टैक्स नहीं मांगा जाएगा। बट ओल्ड रिज्यूम में क्या था, आपको 80C के डिडक्शन, सारे जितने भी डिडक्शन आते हैं आप सारे क्लेम करते थे, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी पे था, चाहे वो 80G में था, चाहे वो 80D में था, किसी तरीके का एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते थे। ये फायदा था आपके ओल्ड रिज्यूम में। पर अगर आप ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हैं और इस साल भी अगर आप ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हैं तो इसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उस फॉर्म का नाम है 10IEA। बिना उस फॉर्म को भरे अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप ओल्ड रिज्यूम से न्यू रिज्यूम में चले जाएंगे, यानी कि जो न्यू रिज्यूम को गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट कर दिया है। अगर आप गलती से भी आपने सोचा, आपने ध्यान नहीं दिया और फॉर्म 10IEA को बिना भरे आप आगे बढ़ गए तो आपका जो रिटर्न जाएगा वो न्यू रिज्यूम में ही जाएगा, और वो भी 31 जुलाई तक। आपको ऑप्शन दिया गया है फॉर्म भरने का IEA का, यानी कि ओल्ड रिज्यूम में जाने का। अगर आपने 31 जुलाई जो लास्ट डेट है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, अगर आप वो भी क्रॉस कर जाते हैं तो आपके पास जो फॉर्म 10IEA का जो ऑप्शन दिया गया था वो भी खत्म हो जाएगा। 31 जुलाई के बाद आपको न्यू रिज्यूम में ही टैक्स रिलेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यानी कि लेट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ओल्ड रिज्यूम में ना जाके आपको न्यू रिज्यूम में ही आपको टैक्स, न्यू रिज्यूम में ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। तो फटाफट जाइए, अभी टाइम बहुत बचा हुआ है, कह सकते हैं बचा भी है नहीं भी बचा है। अभी जून है और जुलाई 2 मंथ्स हैं और जून भी स्टार्ट होने ही वाला है, तो जल्द से जल्द पहले अगर आपको न्यू रिज्यूम में जाना है या ओल्ड रिज्यूम में जाना है तो फॉर्म 10IEA भर लीजिए, उसके बाद फटाफट रिटर्न फाइल करना चालू कर दीजिए। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिज्यूम में ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। धन्यवाद।